हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे से होंगे सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, जो कि है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक देखिए, ओल्ड एज में तो हो ही जाता है, आजकल तो क्या जवानों को भी हो रहा है, ठीक है ना। तो हार्ट अटैक में मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं पेशेंट को, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, ठीक है। रियल ट्रीटमेंट तो क्या हॉस्पिटल पे होगा, मान लिया अगर कोई कांटेक्ट में हो, किसी को खुदा ना खास्ता हो जाए ऐसी दिक्कत, तो आप फर्स्ट एड में क्या करेंगे पेशेंट के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ बताते क्यों, CPR एक है लेकिन CPR हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो कुछ प्रिवेंशन के तौर पर कुछ मेडिसिन पेशेंट को अपने पास रखनी चाहिए, खासतौर पर वो पेशेंट जो कि प्रोन हो इसके लिए, हार्ट अटैक के लिए। अब प्रोन कौन हो सकते हैं, मतलब जिनकी ज़्यादा संभावना हो। अब किसकी संभावना ज़्यादा है, जैसे कि ओल्ड एज कह सकते हैं, जैसे फैटी पर्सन, ठीक है, या उनका BP कंटिन्यूसली हाई जा रहा है, ओके। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ आ रहा है मोस्टली, ठीक है। और वो बताते हैं कि घबराहट होती है, ठीक, चेस्ट पेन बता रहे हैं पेशेंट, घबराहट, चेस्ट पेन, ठीक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली केस में, हाइपोटेंशन में भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि ये सारे सिम्टम, BP हाई होना चाहिए, ठीक है ना, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना चाहिए, तब उसके साथ में अगर उनको वो हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, और चेस्ट पेन के साथ वो घबराहट सा और चेस्ट कंजेशन बहुत तकड़ा, ठीक है ना, पेन इन हार्ट इस तरीके के, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि पेन जो हो रहा है वो ऊपर जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, ठीक है ना, शोल्डर्स में जा रहा है, और मोस्टली लेफ्ट साइड में, और वो ऐसे करके यहाँ इधर हाथ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, पिंचिंग पेन होता है, चुभने वाला, ठीक है ना। और ये हार्ट अटैक की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पिंचिंग पेन, चुभने वाला, और लगता है कि ऐसे करके दबा लेता है वो, कि मिट्टी से भींच ले इस तरीके से, ठीक है ना। और वो जो है दर्द रेडिएट होता है, पेन रेडिएट होता है ऊपर की तरफ को, जबड़ा में दर्द हो रहा है और कंधे में जाता हो, इधर जा चला जाता है, ठीक है, और पीछे भी जा सकता है, ठीक है, रेडिएशन का लेफ्ट साइड में जाता है इस हाथ में, ठीक है ना। तो ये तो उसके सिम्टम हो गए, और इसके साथ साथ क्या एक सिम्टम हो जाएगा, वो क्या, स्वीटिंग, पसीना, ठीक है, बहुत पसीना आएगा तुरंत, ठीक, तत्काल में। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर ऐसे सिम्टम आए कि भैया ये सारी चीज़ आ रही है, चेस्ट पेन, अगर भाई हमको तो कोलेस्ट्रॉल का पता है, लेकिन चेस्ट पेन के साथ में अगर वो पसीना भी आया उसको, ठीक है ना, चेस्ट पेन, पसीना और लेफ्ट शोल्डर में पेन जा रहा है, ठीक है, ये तीन सिम्टम अगर हमको मिल रहे हैं, तो उस केस में हम क्लियर कट बोले सोचेंगे कि भैया ये पेशेंट जो हार्ट अटैक में आया उस स्टेज में, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या कि हमारे पास में आधा घंटे का टाइम रहता है डॉक्टर के पास में, कि पेशेंट को हम बचा सकें, ठीक है, और मोस्टली पेशेंट उस आधे घंटे में ही निकल जाते हैं, ठीक है ना, डेथ हो जाती है उनकी, क्योंकि उनको उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट देना होता है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है एज ए प्रिवेंटिव तौर पर, ठीक है ना। तो अगर उसी टाइम पर या तो कोई प्रशिक्षित बंदा हो जो CPR कर सके, तो वो CPR देना चाहिए। CPR का मतलब क्या होता है, हाथ से सीने पर, मतलब ऐसे करके दूसरा बंदा उसको प्रेस करे, ठीक है, जैसे उसकी हार्ट बीट होती है 72, ठीक, पर मिनट, उसी हिसाब से वो इसको प्रेस करे। अब करने के बाद फिर उसको, मतलब मुंह से हवा दी, फिर किया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लेकिन CPR कोई नहीं कर पाएगा, अब गाँव में कहीं पर जिनको प्रैक्टिस नहीं है, पता भी नहीं क्या करना। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, पेशेंट को अपने पास में कुछ मेडिसिंस रखनी चाहिए, ठीक है ना। जो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन की, BP हाई हो रहा है, तो हाई BP की जो उसको ऐसे टाइम पे दवाई अपने साथ रखनी चाहिए, ठीक है। और जो जीवन रक्षक दवाई है वो मैं आपको बताऊं, एक होती है सोर्बिट्रेट, ठीक है ना, सोर्बिट्रेट होती है जो जीभ के नीचे रखी जाती है, ठीक है ना, वो मेडिसिन उसको जरूर अपनी पॉकेट में बंदे को रखनी चाहिए जिसको ज़्यादा दिक्कतें हैं ये वाली, ठीक है ना। तो वो टैबलेट उसको, दो टैबलेट जो उसकी जीभ के नीचे तुरंत रख के चूस ले वो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका जो ये जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है, ये कुछ टाइम के लिए, मतलब पास आउट हो जाएगी, थोड़ा टाइम उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, वो जीभ के नीचे गोली रखने पर, चूसने पर, ठीक है, सोर्बिट्रेट की होती है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ क्या है, और एक लोडिंग डोज में मेडिसिन दी जाती है इसके लिए, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास में इकोस्प्रिन होती है, इकोस्प्रिन होती है, एटोरवास्टैटिन होती है, क्लोपिडोग्रेल होती है,
ऐसे तो ये सारे नाम तो याद नहीं रहेंगे खैर पेशेंट के, ठीक है। मैं आपको एक जनरली नाम बताऊं, एटोरवा गोल्ड करके आती है, ओके, एटोरवा गोल्ड, जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वो एटोरवा गोल्ड जो मेडिसिन है 20 mg में आती है, एटोरवा गोल्ड, उसकी 20 mg वाले की जिसमें 20 और 75 इकोस्पिन होती है, ठीक है, उसकी 4 टैबलेट, कितनी 4 टैबलेट उसको तुरंत के तुरंत ले लेनी चाहिए पानी के साथ में, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो हार्ट अटैक की जो संभावना है, मतलब जो एक्चुअली क्या होता है, क्लोटिंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरी में, जो हार्ट के ऊपर आर्टरी होती है, वो क्लोटिंग को तुरंत वो खोल देती है मेडिसिन, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की जान बच जाती है। यही लोडिंग डोज हम स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है देते हैं, बस इतना क्या होता है कि पेशेंट वो किस कितने टाइम बाद आ रहा है, ठीक है ना। मान लिया पेशेंट को आधा घंटा हो गया अटैक आते आते, तो फिर वो मेडिसिन भी काम करना फिर बंद कर जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से पेशेंट कई बार नहीं बच पाते हैं, CPR करना पड़ता है। तो हमको क्या करना चाहिए, वो मेडिसिन इनिशियली तुरंत दे देनी चाहिए अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, कन्फर्म है कि हार्ट अटैक का सिम्टम है, ठीक है ना। तो सोर्बिट्रेट और एटोरवा गोल्ड, ओके, सोर्बिट्रेट जीप के नीचे रखनी है, एटोरवा गोल्ड की 4 टैबलेट, समझिए 20 mg की 4 टैबलेट, ठीक है, पानी के साथ में तुरंत ले लेनी एक साथ ही, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, पेशेंट जो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे अस्पताल में, जल्दी चले जाना अच्छी बात है ना, लेकिन डॉक्टर को ये जरूर बता देना कि हमने ये मेडिसिन दे दी थी, ठीक है, क्योंकि कहीं वो भी फिर वो डोज देगा, ओवरडोज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़, और उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, ECG करेंगे, ठीक है ना, और फिर जो मेडिसिन देनी होगी वो डॉक्टर देंगे, ठीक है। आप प्राइमरी इतना कर सकते हैं ताकि किसी की जान बच जाए, ठीक है ना। और अपनी डाइट में हार्ट के पेशेंट को क्या चेंज करना चाहिए, एक्चुअली हार्ट के पेशेंट को जिसका हार्ट की दिक्कत है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हाइपरटेंशन है, BP है, तो उसको खाने में लाल मिर्च, ओके, ठीक है ना, रेड चिली पेपर उसको खाने में ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक भी हो रहा है, मान लिया हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उसको सीधी सीधी लाल मिर्च खिला देंगे, ठीक है ना। आप अगर उसको जो मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम, आप एक चुटकी कह सकते हैं ना, ठीक है, उसको लाल मिर्च उसकी जीभ पर रख देंगे, तो उससे भी उसको हार्ट अटैक से वो बच सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कैप्सिन होता है, तो ये क्या करता है, ये जो ब्लॉक्स नस जो ब्लॉक हो जाती हैं, खून की नली जो ब्लॉक हो जाती है, उसको तुरंत ओपन कर देता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल ही मेन कारण है इसका हार्ट अटैक का, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे केस में हम क्या है, एट होम अगर हमको मेडिसिन भी नहीं मिल पा रही है गाँव में देहात में, ठीक है ना, या हम CPR नहीं कर पा रहे, तो हम सीधा सीधा लाल मिर्च खिला दो उसको पेशेंट को। लाल मिर्च कुछ भी नहीं मिला तो लाल मिर्च सूखी वाली जो होती है उसको चाप ले, वो 1 या 2 मिर्च लाल मिर्च चाप लेगा तो वो पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा इससे, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया इसका सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उसका पेन कम हो जाएगा और वो फिर उसको हॉस्पिटलाइज आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा एक अच्छा सोल्यूशन है। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये ब्लॉग इतना ही था, ठीक है ना। इसमें मैंने हार्ट अटैक वाले पेशेंट के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मैंने बताया है, ठीक है। मेडिसिंस मैंने बताया आपको, सोर्बिट्रेट, एटोरवा गोल्ड और CPR, ठीक है। सो आई होप किसी की जान बचाए हैं आप भी, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा, ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय, थैंक यू।